और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं और मैंने सोचा आज क्या बनाऊं। तो रोज ही तो आपको कोई डेली लाइफ दिखाते हैं, तो सोचा आज कुछ न्यू करते हैं। और मैंने पता, मैं वैसे कभी किसी का मेकअप नहीं किया है, ना ही मैं अपना कर पाती हूँ। मैं नॉर्मल मेकअप कर लेती हूँ, मैं कभी भी कोई भी फाउंडेशन कोई भी चीज अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, क्योंकि मेरे को सीरियसली मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं नॉर्मली जैसे सभी लोग रेडी होते हैं नॉर्मल जैसे फैमिली होते वैसे ही मैं रेडी होती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेकअप करना सीखूं, तो मेरे को मेकअप करने के लिए चाहिए किसी एक पर्सन को। तो मम्मी तो बिल्कुल ही मना कर रही है, उनका पैर टूटा है और उनके दर्द भी हो रहा है। तो देखो आज सो गाइस मैंने सोचा मैं किसका मेकअप करूं, तो कौन बचा, वर्षा बची। सो वर्षा का मेकअप करूंगी और जैसा भी होगा ना वो आप वीडियो में देखते रहना। मैंने कभी भी मेकअप करवाना बिल्कुल नहीं पसंद है, और हाँ इसको बिल्कुल भी मेकअप करना पसंद नहीं है और ना ही इसको करवाना। तो मैंने सोचा इसी का करके देखती हूँ, अगर अच्छा होगा तो ठीक है। वैसे कोई भी देखो हम लोग मेकअप ज्यादा करते नहीं है, तो ज्यादा हमारे पास मेकअप का सामान भी नहीं मिलेगा। जो भी थोड़ा बहुत नॉर्मल सबके पास मिलता है वही है, उसी से करेंगे, देखते हैं कैसी लगती है। सो आप सब लोग ब्लॉग के साथ में बने रहा, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, स्किप करके लाइक कमेंट शेयर भी करते रहना। सो स्टार्ट करते हैं आज का। सूट पहन लिया है और देखो कैसे चेहरा छपा रही है, क्योंकि इसको ना सीरियसली बिल्कुल भी इस टाइप के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। ये भैया ने इसको ऑनलाइन सूट मंगाया था और जब से इसने सिर्फ एक ही बेडिंग में पहना है और देखो कितनी गुस्सा हो रही है। मेकअप करवा लेने बहुत बड़ी बात है। सो बने रहना ब्लॉग के साथ में, अभी इसको जबरदस्ती खींचा जाएगा और बिठा रहा है। सो गाइस अभी हम लोग करते हैं मेकअप स्टार्ट। सो इधर को फेस कर लो। सो पहले जो कि इसको प्राइमर, इतना ठीक है। और मैं ना फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ। अच्छा करना बस। तो ना मुझे ना बिल्कुल भी सीरियसली मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। नॉर्मल सा क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना जो भी क्रीम जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो अपन लगा लेते हैं, वो लगा लेती हूँ। और बस थोड़ा सा वो आईलाइनर लगा लिया और जो भी कोई अपना लिप बाम लिपस्टिक वगैरह है उसको यूज कर लिया बस। अब हम लगाएंगे प्राइमर। हमारा हो गया है। इससे क्या ना, इससे क्या होता है वैसे मुझे तो नॉलेज भी नहीं है प्राइमर से। इससे क्या है ना, वो जो मेकअप करते हैं वो रहता है। हाँ तो ये अभी प्राइमर हो गया है इसका, और हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। इतना काफी है। ये प्राइमर जो है ना इनको पता नहीं है ये मॉइस्चराइजर का काम करता है, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर क्योंकि फेस को। और अच्छा अभी इसका फेस टोटली लग रहा है ऑयली। पता नहीं क्या हो रहा है। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन जो कि लैक्मे का है, और ये तेरी स्किन के अकॉर्डिंग वाला है ना, और ना ही जैसे अपन अप्लाई करते हैं तो कुछ भी नहीं बचने दिया, इतना थोड़ा सा फाउंडेशन। और आपने सिर्फ फाउंडेशन ही है हमारे पास, और कुछ हम लोग रखते भी नहीं है, तो इसको हाथ से ही ऐसे नॉर्मली अप्लाई कर देंगे। और सो गाइस फाउंडेशन जो है कि अच्छे से मेल्ट हो गया और बिल्कुल भी मैंने हल्का सा लिया है, क्योंकि मेरे को तो जस्ट ऐसे ही देखना था कि मेकअप कैसा लगता है। वो कहा हेयरबेल्ट लगा ले तो बाल आगे नहीं आएंगे। सो नॉर्मली मैंने थोड़ा सा उसके बाद हम इसका आई मेकअप करेंगे, फेस पाउडर बाद में लगाएंगे। सो नॉर्मल सी पता नहीं, ये आई शेडो पैलेट इतनी छोटी सी, क्योंकि देखो जहाँ शॉप नहीं होता है वहाँ पे वो चीजें होती, तो पता नहीं क्या होने वाला। देखना सही हो गया, दिख रहा है ना, मेरी लाइफ का ये फर्स्ट मेकअप है और मैंने इस तरह से कभी भी कोई मेकअप नहीं किया है। तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मली होता है ना अपना फन करने की इसकी। सो हमारा आईज ये वाला मेकअप हो चुका है कंप्लीट, थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि पूरा मेकअप भी हुआ नहीं है। सो अब हम लगाएंगे इसको आईलाइनर, लगाने वाली हूँ मैं, लगा लेती हूँ, टेंशन नहीं ले। आंख बंद करके अच्छे से बिल्कुल सही है दोनों तुझे लग रहा है। सो अभी फेस पाउडर कौन सा वाला अप्लाई करूँ, ये वाला या फिर मैं ये। सो अभी हम करेंगे, मैं अच्छे से करना पॉइंट पॉइंट वाले। अप्लाई करेंगे मस्कारा, मस्कारा फिर काजल लगाएंगे। मस्कारा कहाँ है, इसे पलक रखो, इस पे पलक रखो, इसको
अच्छी है, मस्कारा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि काफी लॉन्ग आई लेंसेस है और इसने ना ये अपना आई शेडो खराब कर लिया है, तो इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। पता नहीं दीदी ने क्या बना दिया, इनको मेकअप करना आता नहीं है। आता है ना, देखो अभी ना वो लाइटिंग की वजह से इस साइड इसके काजल काजल तो मैं इसका कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने कहा कि इसका इसको मेरा मेकअप करती हूँ दिखाओ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बरसा मेरा मेकअप करेगी। सो गाइस प्लीज कमेंट कर देना ब्लॉग में और शेयर भी कर देना ब्लॉग को। सो अभी हम लगाएंगे, अभी देखो हमारा आईज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। सभी हम फेस पाउडर, और मैंने फर्स्ट टाइम किया है तो ये पता नहीं कैसा, जैसा भी हो हम जस्ट इंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि घर में जब फालतू बैठे होते हैं तो क्या करें, बच्चे भी नहीं है अभी मेरे पास में, बच्चे भी जो भी आई का मेकअप आपने देखा है वो ही था। सो ना ही मुझे इतनी नॉलेज है मेकअप की। सो गाइज थोड़ा सा मैरून रेड टाइप का है और ब्लैक के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त होता है, ये सब आप लोग भी जानते हो। सो लिपस्टिक मैं अपनी भी कभी सही नहीं लगा पाती हूँ, बट आना वाना इसने लिपस्टिक इसका, ये देखो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम लग ज्यादा नहीं करना, ओनली हल्का सा ब्लश देंगे जिससे कि मेकअप कंप्लीट होता है ब्लश से ही। ब्लश और दो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे उस साइड में तो सही है जी। हंस स्माइल, फेस का मेकअप हो गया कंप्लीट। तो अभी हम बनाएंगे इसका, रुको सो गाइस देखो, सो गाइस देखो इसका मेकअप, रुको ये देखो पहले आईज क्लोज कर, आईज क्लोज कर। सो ये था इसका आईज का, और देन गाइस वर्षा हो चुकी है रेडी, और हेयर स्टाइल मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई भी हेयर स्टाइल आती नहीं है, तो मैंने ओपन हेयर रखे हैं। सो अभी इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। हाय, तो वैसे ना दीदी ने अच्छा किया। और इसका ड्रेस ऐसा है, ये देखो। सो गाइस फाइनल लुक है वर्षा का ये, और इसके हेयर काफी बड़े हैं और नॉर्मल सा मेकअप है, और पता नहीं क्यों इसमें कैमरे में शायद अच्छा नहीं लग रहा है, बट रियल में काफी सुंदर लग रही है, और कुछ भी नहीं है मेकअप, बिल्कुल भी नॉर्मल। पहली बार दीदी ने मेकअप किया है, और मैं अपने भी कभी इस तरह का कभी मैं अपने मेकअप नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल लिपस्टिक और थोड़ा सा जो कुछ भी लगाती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप कॉमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग में बरसा मुझे मेकअप करे, मैं आपकी बढ़िया से ट्रेडिशनल मेकअप जैसे कि साड़ी पहन के मेकअप करूंगी। सो गाइज ब्लॉग भी काफी बड़ा हो गया है, सो मैंने बरसा का मेकअप कैसा किया है या आप सब मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का एंड करते हैं। सो लाइक कमेंट शेयर और